अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मिस्टर खान रिव्यूज में खुश आमदीद। और मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पिछले 20 साल से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। इनका हर इदारे में एक्सपीरियंस रह चुका है, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, एक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, यू नेम इट, इनका हर तरीके से इनका एक्सपीरियंस है। तो बराए मेहरबानी हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं, मिस्टर नजफ बिलग्रामी। जी नजफ, क्या हाल है? वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आपकी बहुत इलस्ट्रियस करियर रह चुकी है, अपने हर तरीके से आपने हर मुख्तलिफ जॉनरा में काम कर चुके हैं, फ्रॉम हॉरर टू टीवी सीरीज, मेलोड्रामा, यू नेम इट, आपने हर तरीके से काम किया हुआ है। लेकिन विद दिस इंटरव्यू हम थोड़ा पीछे जाएंगे आपके अर्लियर करियर में, जो कि आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व किया टू आर्ग्यूबली, जो मैं कहूँगा, पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन, द फिल्म जिना इन 1998, directed by Jameel Devi and starring Sir Christopher Lee. So before I move on with this project, mera ek chhota sa sawal aap se ye hoga ki aapka filmmaking mein interest kaise paida hua? Kya wo spark tha jo aapko laga ki main bhi filmmaker ban sakta hu? Well, main gaana nahi ga sakta tha, sab kuch wo thi acting ki nahi thi. To usually aap log, I mean ek aadmi jo ke प्लस एक ये चार्म होता है कि फिल्म मेकिंग में आपको सब कुछ करने को मिलता है। यू हैव टू बी एन एक्टर, यू हैव टू बी अ कैमरामैन, यू हैव टू बी एन एडिटर, यू हैव टू बी अ प्रोड्यूसर, यू हैव टू बी समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टेलिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टोरी इन अ पर्टिकुलर सर्टेन काइंड ऑफ वे। सो द रीजन आई गॉट इनटू इट वाज बिकॉज माय फादर वाज अ वेरी ही वाज अ सिनेफाइल, ही वाज मोस्ट ही वाज इंटरेस्टेड इन फिल्म, देन ही वाज इंटरेस्टेड He was interested in the cinema of David Lean and Howard Hawks, John Huston, big 70 millimeter, big Hollywood cinema, which was, you know, Lawrence of Arabia. My first film that I was made to watch was Lawrence of Arabia, which is not a very suitable film for an 8-year-old or a... ये तो आपकी शुरुआत थी इनटू फिल्म मेकिंग। उसके साथ साथ फिर एक और सवाल जुड़ जाता है उसके साथ कि आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का की जॉब किस तरह मिली आपको इतने बड़े प्रोडक्शन में? दैट्स थैंक यू फॉर आस्किंग। आई ओनली डिड द असिस्टेंट डायरेक्टोरियल वर्क इन जिना। इससे पहले मैंने कभी किसी को असिस्टेंट किया था और उसके बाद भी मैंने कभी किसी को असिस्टेंट नहीं किया। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है हमारे यहाँ जो होता है वो कुछ और होता है। एंड इन अ हॉलीवुड फिल्म जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है या असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो a very important person. He's like the general of an army. He's a very wise person. He has complete control of how to run the production. Assistant director is somebody who knows how to actualize what's on paper and how it needs to be. Do we resources di gayi hain ki aapka budget jo hai, for example Jinnah ka budget tha wo 1/10 budget tha Gandhi ka, to Gandhi jo ki Richard Attenborough ne banayi uska 1/10 budget tha. Jinnah was a very modestly budgeted film. It was done with very humble resources, and that goes a lot to the credit of Jimmy Devi, Nick Nolan, the cinematographer. Mike Potter was the art director. Screenwriter was Akbar-e-Sehmat. Akbar-e-Sehmat, yes. Akbar-e-Sehmat, who was also the producer, but then we later found out it was Farooq Dhondi who had actually written the script. Who is a Indian-born Brit national living in England, and he could not be, his name could not be brought into public because of his Indian background. So वो controversy बन जाती कि Indian. Yeah, exactly. So he rightfully asked and offered that he would work anonymously and his name would not be given. So you saw Jameel Devi direct on set. Yeah. Jameel Devi is basically. एक तरीके से बहुत ही मुख्तलिफ बैकग्राउंड से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आए। ही हैड फिल्म्स लाइक कल्ट फिल्म्स लाइक ब्लड ऑफ हुसैन, और उन्होंने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, ज़िया मोहिउद्दीन, इमैकुलेट कंसेप्शन। तो इनका जो स्टाइल था डायरेक्शन का, आपको कैसे लगा? खासा मुख्तलिफ लगा बाकियों से, और आपने कुछ सीखा उससे? मुझे लगा ऐसा दैट ही थिंक्स विद द कैमरा। आई थिंक ऑल डायरेक्टर्स थिंक with the lens. They're looking at something, movement. Filmmaking is about movement, either movement of an emotion or the movement of the character or the movement of the camera. And
all of this needs to, they all serve one purpose, that they have to get an emotional response out of the people who are being told that story. He's got a great eye for camera, but I think he's got a more of a greater sense of edit. His editorial sense is beautiful, I think. My job was a back-breaking, neck-twisting roller coaster of like from the word go at 6:30 or 5, and I had to be on the set till we finish shooting. So, sir, Christopher Lee is role ke liye announce hue the. सबसे बड़ा लोगों को इख्तलाफ ये नहीं था कि वो अंग्रेज हैं, उनको इख्तलाफ इस बात से था कि उन्होंने ड्रैकुला की मूवीज की थी और इस पे उनको आई थिंक डेथ थ्रेट्स भी मिली थी कुछ लोगों से. बहुत उसके बारे में बहुत कुछ था. मुझे इत्तेफाक से ये फिल्म शुरू हो रही थी, उससे पहले मुझे मालूम चली था 95 में आई वॉज इन टच विद समबडी रिलेटिव हु वाज इन टच विद अकबर सहमत एंड ही टोल्ड मी दैट डैनी डे लुइस वाज आल्सो कांटेक्टेड एंड जेरेमी आयरन्स वर आल्सो कांटेक्टेड. And they both refused. Daniel Day-Lewis refused because of injury. He had dislocated his arm. Jeremy Irons had certain issues with the script. He had suggested certain things in the script. Mm-hmm. The backers and the producers refused. Sorry, you can't have them. Because we wanted a more realistic approach towards Jinnah. The part which says drinking and pork eating and all that. So that he said, well, we have to say. And then they considered a few actors who were local, who were powerfully attached to, who are powerful people, and they were attached to some really powerful people in Pakistan. And then when they were refused, and they took on a Hollywood entity like Christopher Lee, because they needed, there was a shift within the script. That from showing a person, they wanted somebody larger than life. They took on a character who is larger than life, or was larger than life. I think there was a lot of backlash. I remember a lot of backlash. कि ये तो ड्रैकुला है, तो फिर आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बानी है, हमारे मुल्क की बानी है, हमारे फादर ऑफ नेशन है, वो क्या वो ब्लड सकिंग वैम्पायर थे बाय कास्ट. आई थिंक वो बहुत ही बचकाना बात थी. मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आपने हमेशा से किसी ऐसे एक्टर को देखे जिसने सिर्फ और सिर्फ विलन का रोल अदा किया है, सडनली जब आप उसको किसी हीरो के रोल में देखते हैं, आपकी सिंपथीज टूट के उसके साथ आ जाती है. आपको कैसा लगा उनको लाइव एक्ट करते हुए? आपके और कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है सेट्स की जो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, मुझे उनसे डर लगता था. मैं बच्चा था उस वक्त, एज आई वाज अ किड, एंड आई रिमेम्बर मैं कमरे में, जो मेरा कमरा था असिस्टेंट का कमरा था, मेरी डेस्क में वहाँ मेरा काम कर रहा था. फिर स्टार्ट नहीं होती, मुझे पता चला कि क्रिस्टोफर ली जो वो आ गए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं. फिर पता चला कि वो होटल रूम में है जहाँ पे हमारा ऑफिस था, वो अब वो वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल है. वहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हमारा ऑफिस था, हेडक्वार्टर्स. और मुझे पता चला कि अब वो आ रहे हैं. और फिर जैसे मैंने उनकी आवाज़ सुनी, इन द नेक्स्ट रूम आई कुड हियर हिम, एंड देन ही केम इनटू द रूम. सो ही ऑलमोस्ट दरवाजा था, उसमें छुप कर आए थे. जो डोरवे था वो छोटा था उनके लिए. बट या आई वाज स्टारस्ट्रक बाय ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस एंड आई वाज यंग एट दैट टाइम. ही यूज्ड टू हैव अर्ल ग्रे, ही वाज अ टिपिकल इंग्लिश मैन. हिज फादर वाज अ नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश नेशनल बिकॉज़ हिज फादर वाज इन पार्ट ऑफ द इंडियन ब्रिटिश आर्मी बट वाज ऑफ इटालियन डिसेंट. सो आई थिंक ही वाज द सेकंड और थर्ड जनरेशन that was settled in England. But he himself was, very, very English. So he would have his Earl Grey 2 times a day, morning on the set and then one in the evening. And he would carry his own tea bag and a napkin that he would bring from his room on the set. And since he knew that he'd be having tea twice on the set, so he would bring them in his nicely packed, because napkin used to not be given, safety napkin. And he would carry a thermometer with him. Okay. Because he wanted the I can't remember, ek khas Fahrenheit pe pani ko hona chahiye tha. So it had to be, the water would be separate. And he would explain, because he thought ki main angrezi samajh nahi sakta. So mujhe kehte ki you have to bring that water on that temperature. And the milk has to be chilled. Not frozen, chilled. He was otherwise very accommodating.
obviously जो जो आदतें उनकी थी, the production at times would not keep up with the demands that he had, and but he was largely forgiving towards the clumsiness of a crew that was not accustomed. उनको बहुत बड़ी फ्रेंचाइजेस में काम करने को मिला उसके बाद. उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे काम किया, उन्होंने स्टार वॉर्स में काम किया, लेकिन उनके जब भी इंटरव्यूज होते थे फिल्म फेस्टिवल्स में कहीं, तो हमेशा जब भी जिना का जिक्र आता तो हमेशा उसकी तारीफ करते थे कि ये मेरा सबसे पसंदीदा रोल है, मैं बहुत फखर से मैंने ये रोल किया और मैं सबको गुजारिश करूंगा कि वो ये फिल्म देखें. तो वो क्या क्या कनेक्शन थी उस रोल का? I can't speak for Christopher Lee. I can't now that he's dead, who would know what there's a clip on there's a clip on YouTube in which he's talking about, and he talked a lot about not just the character and why he loved that character. Also, he talked about how difficult it was to make that film. I think he realized what a great man he kind of connected. What a great man Muhammad Ali Jinnah was and is, because I think he realized that he was not a Mahatma. He was not somebody who was a, he was not a god-like entity. He was a human being who chose to sacrifice everything for a cause. And he died. I mean, that thing, everything had a price. And he was willing to pay that price. He was willing to pay that price by his the financial comfort that he had. He was a very rich man, a very successful lawyer. He had a wife and a life with his wife and a child. He decided to let go of that. He knew the price, knowing fully well what the price is going to be. He chose a path. Coming back to the production, जिना as a सियासतदान, उनकी तीन हिस्सों में उनकी करियर डिवाइडेड थी. एक कराची में थी, दूसरी बॉम्बे में थी और तीसरी लंदन में थी. तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कराची की जो प्रोडक्शन है वो कितने हफ्तों तक थी और कितना टाइम लगा उसमें? आई रिमेम्बर लाहौर की जो थी वो 2 हफ्ते की थी, और इन ऑल इट वाज 11 वीक्स. The whole schedule was 11 weeks. So 9 weeks in Karachi, 2 weeks in Lahore. And okay. I think there were 2 weeks or 1 week in London. 1 week in London, I think. Jisme young Jinna ko dikhaya hai. Aur young Jinna ko milne ke liye Iqbal, Allama Iqbal milne jate hain, convince karne ke liye. That was a role which was played by Mark Zubair. The film got completed. It was a miracle. Nothing short of a miracle. Okay. Because the government that had sanctioned that film was no longer in power. It was the first Benghazi government that sanctioned that film. And they promised that the government will support, the state departments will support the film, just as the Indian government supported Richard Attenborough's film, Gandhi. So it was sanctioned and sari sari department, jo bhi, स्टेट के अंदर जो आता है वो आर्मी आती है जो लॉजिस्टिक्स हैंडल करते हैं कि लॉजिस्टिक्स बड़ी है वो सब दिया जाएगा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आर्मी है, जिनके पास एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, वो सब सब रेलवे है, सब सब जो है वो हेल्प करेंगे इस फिल्म को बनाने में. एंड सर 10 मिलियन का जो बजट था कि हम 10 मिलियन तक की रिसोर्सेज देंगे, तो वो वापस फिल्म जब शुरू होना शुरू हुई तो वो गवर्नमेंट जा चुकी थी, उसकी जगह एक और गवर्नमेंट आ गई. वो थी आई थिंक द फर्स्ट पीएमएल आर्मी से वादा ले लिया गया था कि आप इनकी मदद करेंगे, तो आर्मी ने मदद की हमारी, बहुत सी मदद की, एक्स्ट्रा जो थे हमारे सारे आर्मी प्रोवाइड किए. मुझे अकबर सहमत ने आई थिंक बताया कि हर दिन वी आर फोकस, कुछ कुछ फंड थे जो कि नहीं आए, जो कि गवर्नमेंट वाले थे वो नहीं दिए गए. एंड देयर वाज अ सर्टेन पब्लिकेशन हाउस व्हिच वाज आफ्टर द वेरी लाइफ ऑफ अकबर अहमद, दे वांटेड टू शट डाउन दैट फिल्म.
and they, through the newspaper division, they did everything. They ran a smear campaign against the film. It's surprising. I mean, because Pakistan's 50th anniversary is coming, so in a way, it's a fakar that we are film release kar rahe of our founder of the nation. But unfortunately, ye khayalat nahi the hamari agli government. Yeah, yeah. I mean, ye film aisi hai jo ke abhi bhi I think legally resolved nahi hai. So ye film phir uski production khatam hui, post production khatam hui, finally ye distribute hui, cinemas mein release hui. Iska phir reaction hua Pakistani awam kya? To aapka kya aap log ki expectations met hui jo aap expect kar rahe the ya how was it? Meri expectations met hui, lekin meri expectations matter nahi karti. I was somebody who was involved in the making of that film. I think it is a big deal for people who believe in the country, who are not too quick to judge the film. If in any way something handsome and substantial is being said about the country and the person who made the country, so it's naturally they like. My father was very sympathetic and he liked the film. Mostly, I think the log the, they bought that. That propaganda ke ye film kyun bana rahe log, nahi nahi ye to jo galat hai. Like for example, sabse choti si baat jo thi wo ye thi ke jo ke hum mujhe yaad hai, the moment the film was announced, PTV also announced ki hum bhi bana rahe hain drama, aur humne bhi actor jo hai England se mangwa diya hai, aur wo bhi jinna se shakal milti hai, aur humne inko cast kiya, aapne inko cast kiya, humne inko cast kiya. अच्छी बात है, आप जिना पे जरूर बनाए, जिना से कायद तक वो ड्रामा बना था जो मैंने दोबारा देखा ठीक है, काफी काफी कॉम्प्रोमाइज उसकी उसका नैरेटिव था. और इट वाज नॉट वेल राउंडेड, इट पोर्ट्रेड हिम एज समबडी हु वाज बीइंग वेरी राइटियस समबडी. आई थिंक इट इज ओके टू पोर्ट्रे हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, समबडी हु वांटेड टू बी लव्ड, हु वांटेड टू बी अप्रिशिएटेड, बट डिडन्ट हैव टाइम फॉर दैट. ही वांटेड टू हैव द ब्लिस ऑफ अ गुड मैरिटल लाइफ, a daughter, but he set himself up for something so great that everything was sacrificed at the altar of just one cause, the cause for a separate country, for the Muslims of the continent. So and in the film, the anguish and the desperation is portrayed that he's somebody who's well aware of how his life is going to end alone, basically. That the drama didn't have that. It was very poorly scripted, very poorly produced, and very poorly acted. Acting material was also very poor. That whole notion ki ek cheez ban rahi hai, aapne unke muqable aise that you want to undermine that effort. But agar ek drama, ek film ban rahi hai, fully support it. You don't have to like, it's just like, I don't want to buy a new car, but the moment you buy a new car, I say, maybe gaadi khareedunga. तो आपको क्या लगता है जानबूझ के उन्होंने बनाई थी ये काउंटर करने के लिए? ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने सुना है फ्रॉम द माउथ ऑफ पीपल एट पीटीवी, क्योंकि जो क्रू जो बना रहा था वही क्रू पीटीवी का क्रू था जो कि बोरो किया गया था, तो वो लोग दोनों जो काम कर रहे थे एंड दे वर सेइंग कि वो हम भी बना रहे हैं. आई मीन दिस वाज समथिंग व्हिच इज देयर वाज अ सेंटीमेंट एट दैट टाइम एंड दैट्स रॉन्ग. ये बहुत छोटी बात है. तो मेरा ख्याल से वो उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरी नेशन का था वो क्या था कि दे वर ऑल द टाइम कि नहीं तो गोरे को ले लिया आपने, आपको पाकिस्तान में क्या नहीं थे, क्या जावेद शेख नहीं थे क्या यहाँ पे, क्या नदीम नहीं है यहाँ पे, उनसे क्यों नहीं करवाया आप? तो पाकिस्तान में फिर भी काफी लोग गए इस मूवी को देखा, उन्होंने सिनेमाज में उर्दू में भी तर्जुमा हुआ इसका. लेकिन इतने सालों में ये अनफॉर्चुनेटली फॉरेन मार्केट में ये इतनी कामयाब नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह थी? लैक ऑफ मार्केटिंग क्या था इसका? आई डोंट नो, आई मुझे इसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा ला सकता हूँ. एक अंदाजा मेरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाज इंडिपेंडेंटली फिल्म, इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड फिल्म. आई थिंक इट वाज अ वेरी पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड फिल्म बिकॉज ऑफ द लीगल वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. आई थिंक सिंस देयर वर लीगल बैटल्स बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द फिल्म मेकर, वो दैट द इशू गॉट, जब उसको प्रमोट करना था, जब उसको प्रोपगेट करना था, उसको सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो टाइम सारा उसमें एक आधा डेकेड या एक डेकेड उन्होंने ऐसे गुजार दिए लड़ते हुए. तो आई थिंक दैट दैट कुड बी वन रीजन कि उस फिल्म
it was like a child of a divorce. When the parents are fighting, उस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो माँ बाप तो लड़ रहे थे आपस में, तो बच्चा रुल गया बेचारा. वन थिंग दैट आई डिस्कवर्ड व्हेन आई वाज वर्किंग इन जिना वाज दैट जो कैमरे के सामने जो चीजें हो रही थी वो तो पाकिस्तान के बारे में थी, जो कैमरे के पीछे बातें हो रही थी वो भी काफी वो भी फिल्म थी. द पुटिंग टुगेदर ऑफ दैट फिल्म वाज आल्सो अ फिल्म. पीपल हु वुड से टू यू के यू नो वी विल यू जस्ट गो अहेड, तुम जो करना चाहो करो, तुम बस अनाउंस कर दो फिल्म, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. एंड द मोमेंट यू अनाउंस अ फिल्म पाकिस्तान, दोज वेरी सेम पीपल विल नॉट पिक अप योर कॉल, पीछे हट जाते हैं फिर. एग्जैक्टली. माय हैट्स ऑफ टू जमील साहब, माय हैट्स ऑफ टू अकबर अहमद, हु लेटर इन लाइफ वर ऑल टाइम फाइटिंग अमंग्स ईच अदर, बट आई विल गिव देम दैट दैट दे स्टक टू इट. एंड आई थिंक बिट ऑफ क्रेडिट गोज टू द आर्मी एज वेल, कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया. And I think a lot of credit should go to the news network that was against the making of that film, because I think usse logon ko aur himmat mili is film ko complete karne ki. Acha. Yeah, nahi ab to film khatam karni hi karni by hooks or by crook. It's unfortunate ki is film ko kitne mushkilat hui before and after, dono taraf dekha jaye. Lekin main bahut khush hoon ki ye film banayi gayi aur ek hamare paas ek nishani hai. अपने मुल्क की के हम ये दिखा सकते हैं कि ये हमारा फाउंडर है. There will be some filmmaker from Pakistan who will say, "I'm going to make that again," because जिना जो बनाई थी जमील देवी ने उसमें ये चीज़ नहीं हुई. You see, he will be able to make that film because of the fact that there is a film. मेरा आपसे अब आखिरी सवाल होगा आपके अपने personal projects पे, कि अब अभी currently आप किस project पे काम कर रहे हैं? I'm working on a TV serial which is about child brought up. It's written by the late Asma Nabeel, jinka bhi intiqal hua hai ek mahina do mahina pehle. Previously I did a serial called Damsa, which was also written by her. It was about child trafficking, how children are abducted and how it affects the families. To iske sath main sabse pehle aapka shukriya ada karna chahunga. Thank you for taking part in this interview. Aur nazreen, I'm sure aapko bhi बहुत सारी नई कहानियां सुनने को मिली होंगी अबाउट जिना, एंड मैं इस पे एक रिटन रिव्यू भी लिखूंगा, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखूंगा कि देयर इन फैक्ट आर टू जिना फिल्म्स, नॉट वन. द फर्स्ट वन जो 1983 में बनाई गई थी वो कभी रिलीज नहीं हुई, तो अगर आपको उसके बारे में और पढ़ना है और जानकारी हासिल करनी है तो आप जरूर मेरा रिव्यू पढ़ें. इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. And please let me know how did you like the video or not. Or in the future, main aur koshish karunga is tarah ki aur video banau. So thank you, Najab, once again. We're looking forward to your projects. Thank you. And I will put the details in the description about your projects, and hopefully we'll check it out jab release hoga wo. So thank you so much. And thank you. Yeah, have a pleasant evening. Khuda hafiz. Thank you. Khuda hafiz.